बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंशनर्स प्लेटफॉर्म ट्रूली। फेडरल गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनाती री एम्प्लॉयमेंट के कवानीन में तब्दीली लाने का फैसला किया है। अब ग्रेड 17 और बाला के अफसरान को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, तनख्वाह या पेंशन। इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आम तौर पर तनख्वाह ही ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर पेंशन ज़्यादा हो तो फिर उनको फ्री में काम करना पड़ेगा। अगर तनख्वाह ज़्यादा होगी तो उस सूरत में उनकी पेंशन स्टॉप कर दी जाएगी, और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। याद रहे, इससे पहले वो दोनों चीज़ें बयक वक्त ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं और साथ तनख्वाह भी ले रहे हैं, और इनका तनख्वाह का पैकेज पेंशन से तकरीबन डबल होता है और सहूलियात अलग हैं। रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनाती मुल्क पाकिस्तान और उसके शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक तरफ आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ लाख रुपए से ऊपर पेंशन लेने वाले को लाखों रुपए तनख्वाह पर दोबारा भर्ती कर लिया जाता है। हमारे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट ने अधूरा फैसला किया है। दोबारा तैनाती पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए, और महकमे में नीचे बैठे लोगों को प्रमोट करके बेरोज़गार नौजवानों के लिए मौके पैदा करने चाहिए।